बहुत स्वागत है आपका खेल अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। जी हां, भारतीय टीम इस समय अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। सीरीज के 2 मुकाबले हो चुके हैं जिसमें भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की। सवाल उठता है सूर्य कुमार यादव पर कि क्या सूर्य कुमार यादव की वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में एंट्री होगी या वो बाहर बैठा जाएंगे। पिछले 19 महीने से जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया, उस मौके को भुनाने में नाकामयाब रहे। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से पिछले 2 वनडे मैचों में सूर्य कुमार यादव ने जो बैटिंग की है वो वाकई में बहुत लाजवाब थी। खास करके दूसरे वनडे मैच में जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों को पानी पिलाते हुए गजब गजब शॉट्स खेले, यानी कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप उनके सामने पानी भरते नजर आई। आपको बताते चलें, इन शुरुआती दोनों मुकाबलों से कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को आराम दिया था। ऐसे में केएल राहुल ने कमान संभाली, मगर अब तीसरा वनडे मैच 27 सितंबर यानी कि कल राजकोट में खेला जाएगा। इसके लिए टीम इंडिया वहां पहुंच भी चुकी है। बता दें कि तीसरे वनडे में रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव की वापसी हो रही है। धुरंधरों की वापसी से टीम बदलेगी। ऐसे में कप्तानी संभालने के साथ साथ रोहित कुछ स्टार प्लेयर्स को आराम दे सकते हैं। इनमें ओपनर सुमन गिल, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं। केएल राहुल को भी आराम दिया जा सकता है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी तीसरे वनडे मैच में वापसी कर सकते हैं। ऐसे में उनके लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भी बाहर बैठाया जा सकता है। गिल की जगह कप्तान रोहित के साथ ईशान किशन ही ओपनिंग में मोर्चा संभालते नजर आ सकते हैं, जबकि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को मजबूती देते दिख सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से टीम इंडिया में पिछले एशिया कप से पहले आप देखेंगे नंबर 5 की जो गुत्थी थी वो काफ़ी हद तक अब सुलझ चुकी है, क्योंकि लंबे अरसे बाद जिस तरीके से श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी होती है, चोट के कारण लगातार बाहर चल रहे थे, चोट के कारण टीम से बाहर थे, तब भी उनको भारत के वर्ल्ड कप के लिए प्लेइंग 11 में यानी कि बस जो टीम बनी उसके स्क्वाड में उनको शामिल किया गया था। वहीं आपको बता दें, जबकि 2 स्पिनर यानी कि अश्वनी और कुलदीप के अलावा 3 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। जी हां, इस समय जिस तरीके से इंडियन बॉलर जो बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे मोहम्मद सिराज की बात कर लें, वो तो लाजवाब फॉर्म में हैं, दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं वनडे फॉर्मेट में। मोहम्मद शमी ने बढ़िया अपना दमखम दिखाया जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की, और जसप्रीत बुमराह तो अपने आप में लाजवाब हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय टीम 3 पेसर्स के साथ जाएगी वर्ल्ड कप में। अगर वहीं बात करें, मिडिल ऑर्डर का सिरदर्द वाकई में पूरी तरीके से दूर हो चुका है। वर्ल्ड कप में गदर मचाएंगे ये 2 प्लेयर धांसु शतक से एंट्री जो किए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों फुल फॉर्म में चल रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने हाल ही में एशिया कप 2023 पर कब्जा जमाया। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया। ऐसे में इन धुरंधरों की गैर मौजूदगी में केएल राहुल ने कमान संभाली और अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। जबकि आप देख सकते हैं कि टीम में जिस तरीके से आपके प्रमुख खिलाड़ी नहीं है, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को पूरी टीम ने पानी पिलाया। तीसरा मैच 27 सितंबर को राजकोट में होगा। इसके बाद भारतीय टीम को अपने ही घर में वर्ल्ड कप खेलना है, यानी कि 2023 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है। राहुल और श्रेयस की टीम में धांसू एंट्री, बिल्कुल आपने सही सुना, मगर वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है, वो ये है, अच्छी खबर है कि चोट के बाद केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने धांसू अंजाम में वापसी की, ताबड़तोड़ शतक जमाए। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात यह रही कि टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर का सिरदर्द भी दूर हो गया। दरअसल श्रेयस अय्यर, राहुल के चोटिल होने के बाद टीम में मिडिल ऑर्डर का यानी कि खासकर नंबर 4 और नंबर 5 के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। वहीं सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को आजमाया गया, लेकिन सूर्या बुरी तरह फ्लॉप रहे थे। लेकिन अब बात की जाए सूर्या की, तो सूर्या का फॉर्म वापस आ चुका है। जी हाँ, वही सूर्य कुमार यादव जो नंबर 5 पर आकर बल्लेबाजी करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 37 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रन बनाते हैं, जिसमें 6 छक्के और 6 चौके शामिल रहते हैं। बड़ा प्रश्न था सूर्य कुमार यादव के ऊपर कि सूर्य कुमार यादव क्या करेंगे, सूर्य कुमार यादव को घर में रहना चाहिए या सूर्य कुमार यादव खिलाना चाहिए, सूर्य कुमार यादव T20 के प्लेयर हैं। लेकिन सब पर विराम लगाया सूर्य कुमार यादव ने और कहा, भैया
मौका दिया आपने, विश्वास जताया मेरे ऊपर, उस पर हम खरे उतरेंगे। अगर बात की जाए राहुल और श्रेयस की दमदार वापसी, तो ये आप समस्या ये भी दूर हो गई कि नंबर 4 और 5 पर सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर या राहुल को मौका मिल सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर वर्ल्ड कप में आप सूर्य कुमार यादव को लेकर जाते हैं, अपनी प्लेइंग 11 उनको शामिल करते हैं, तो आप टीम से बाहर किसको करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से शुभमन गिल शानदार फॉर्म में है, रोहित शर्मा कप्तान आपके हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हाँ ये हो सकता है कि पिछले कुछ लंबे अरसे से जिस तरीके से केएल राहुल को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उससे कहीं ना कहीं ईशान किशन अपने पोजीशन को लेकर कुछ संशय में होंगे। अगर ईशान किशन को निकाला जाता है तो हो सकता है कुछ हद तक टीम में सूर्य कुमार यादव को मौका मिले। आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जैसे आपने सूर्य कुमार यादव को मौका दिया, फिर आपके नंबर 4 बल्लेबाजों पर काफ़ी लोड पड़ जाएगा। अगर आप 5 बल्लेबाज रखते हैं, आप 2 ऑलराउंडर रखते हैं, चाहे बात कर ले हम जडेजा की, हार्दिक पांड्या की, आपके 7 प्लेयर हो गए, फिर आप 3 प्रेशर्स रखते हैं, 1 कुलदीप यादव को मौका दे सकते हैं। फिलहाल ये गुत्थी 27 तारीख को यानी कि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। खेल कड्डा में बस इतना ही। धन्यवाद।